भारत की बड़ी नदी प्रणालियों में से सबसे महत्वपूर्ण गंगा नदी, जिसका भारतीय संस्कृति में अपना धार्मिक महत्व भी है। समय के साथ अत्यधिक दोहन और अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों ने इस नदी को बुरी तरह प्रदूषित किया। अन्य नदियों की तरह गंगा भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शिकार बन रही है। समाधान के लिए जरूरी है कि इस बड़ी नदी प्रणाली के इकोसिस्टम पर पर्यावरण परिवर्तन के प्रभाव का निरंतर अध्ययन किया जाए। इन्हीं प्रयासों में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने गंगा नदी की यथावत निगरानी, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन और वेब आधारित विजुअलाइजेशन के लिए एक आत्मनिर्भर मजबूत मॉड्यूलर प्रणाली विकसित की है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित यह परियोजना निरासारा स्वयं शासित वेधशाला यानी NSVS नाम की स्वायत्त जलीय वेधशाला है। एक कम लागत बहु पैरामीटर पानी के गुणवत्ता निगरानी मंच के रूप में विकसित NSVS प्रणाली का हाल ही में कानपुर के नजदीक बिठूर के लक्ष्मण घाट पर उद्घाटन किया गया। इसमें एक अर्ध पनडुब्बी आकार के स्थिर प्लेटफॉर्म पर सेंसर और ऑटो सैंपलर की सारणी शामिल की गई है, जो सभी तरह के मौसम में कारगर होगी। आत्मनिर्भरता के लिए यह प्लेटफॉर्म सौर कोशिकाओं से युक्त ऊर्जा संचयन प्रणालियों और एक अद्वितीय भंवर प्रेरित कंपन VIV प्रणाली से लैस है, जो नदी के प्रवाह से ऊर्जा बना सकता है। NSVS प्रणाली पानी के pH, चालकता और पानी में घुलित ऑक्सीजन क्षमता जैसे तीन महत्वपूर्ण मापदंडों को समझ सकती है। इसका उपयोग कुल घुलित ठोस, विशिष्ट गुरुत्व और पानी में धातु आयनों की उपस्थिति का अनुमान लगाने के लिए भी किया जा सकता है। सिस्टम स्वायत्त रूप से प्रत्येक 15 मिनट में डेटा एकत्र करेगा और वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से केंद्र को रिपोर्ट भेजेगा। यह सिस्टम में अभी हम लोग तीन सेंसर बना के रखा है। एक है pH सेंसर, जो ये वो पानी का जो एसिडिटी है उसको मॉनिटर करते हैं। दूसरा है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सेंसर, जो पानी में कैसा जो लिविंग सिस्टम है, ऑक्सीजन का हाल क्या है वो बताता है। और तीसरा है कंडक्टिविटी सेंसर, जो बताता है कि पानी में मेटल का प्रेजेंस है या नहीं। ये तीन सेंसर से ये सिस्टम अभी दो पावर का लेके अभी चल रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह प्रणाली गंगा सहित अन्य नदियों के स्वास्थ्य की सटीक निगरानी और कुशल आकलन में सहायक साबित हो सकती है, जिससे कभी जीवनदायिनी कही जाने वाली इन नदियों को एक बार फिर स्वस्थ, निर्मल और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है।